Audio Jungle. और एक इसी कड़ी में हम लोगों के बीच में कुछ लीडर हैं जो आप लोगों के बीच में आए हैं और अपना छोटा सा कुछ अनुभव जो इस कीवा कार्यक्रम दृष्टि से जुड़े हैं और कीवा कार्यक्रम दृष्टि से जुड़ कर उनको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, किस तरह से काम कर रहे हैं वो आज 3.5 साल से सेवा कंपनी में लगातार काम कर रहे हैं और हमारा गुरु मार्गदर्शन करने वाले हमारे बीएन सर हैं। मैं चाहता हूं उनके लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए और साथ ही साथ उमेश सर के लिए भी होना चाहिए और हमारे बीच में बैठे हमारे महागुरु हमारे नकुल सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग तो इस मंच पे एक साथ बैठे हैं तो सेवा कार्यक्रम इंडस्ट्री का अध्ययन है और हमारे जो सीईओ करण गोयल है उनके चलते हम लोग सब यहाँ पर बैठे हैं। तो एक बार हमारे करण गोयल सर के लिए भी बात करूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जीत आपकी, हारा वही है जो लड़ा नहीं है, लड़ना अभी जो लड़ने की क्षमता है जीत उसका निश्चित हो रहा है। तो आप लोग में सब में जज्बा है लड़ने का, आपका आपके अंदर में ड्रीम है, इसलिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। तो रोड में बहुत आदमी घूम रहा है, कोई नहीं आ रहा। रही बात, हर चीज दो पहलू होता है, एक हार जीत होता है, एक अमीरी गरीबी होता है ना। तो अमीरी या गरीबी, तो गरीब और अमीर में क्या फर्क है? अमीर कोई आदमी पैदाइश ही अमीर होता है और जो आदमी गरीब घर में पैदा हुआ है आदमी, गरीब घर में पैदा होना तो पाप नहीं है, लेकिन अपने आप को गरीबी मान लेना पाप है। इसलिए अपने आप को गरीब नहीं मानना है। रह गया बात, 100 में 5% पूरा दुनिया में राज कर रहा, पूरा वर्ल्ड में 95% क्या है, हार्ड मेहनत करता है और 5% राज करता है। इसका क्या कारण है? जो 5% जो राज करता है, जो भी उसको मौका मिलता है उसको एकदम तुरंत इम्प्लीमेंट कर करके उसको करता है, और जो हार्ड वर्क करता है वो हमेशा मजदूर ही रहता है। देखिए एक कलम का एक उदाहरण ले लीजिए, कलम देखिए 5% आदमी जो ऊपर में दिखता है, लेकिन 95% लिखता है, खींचता है, सब कुछ करता है, लेकिन दिखता नहीं है। लेकिन सिर्फ देखिए पॉकेट में रहेगा तो खाली सिर्फ 5% ही दिखता है, यानी कि 95% आदमी खाली वर्कर है लेकिन 5% आज करता है, क्या है, दिमाग का खेल है वो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इसमें आए हैं कीवा कंपनी में हम लोग जुड़े हैं, इसमें बहुत पैसा है, बहुत पैसा उठ रहा है, लेकिन वो पकड़ने वाला आदमी चाहिए, पकड़ने वाला आदमी चाहिए, आप पकड़ सकते हैं। 4 घंटा 5 घंटा टाइम पास करके निकल आते हैं। सर आज तो हम गए थे, सर आज दिन भर हम फील्ड में रहे सर, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला सर, कुछ नहीं, 1 रुपया की अर्निंग नहीं सर, 1 सप्ताह से हम यही कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि सर जो दुनिया में जो बाजार में दिखता है वही बिकता है, सिर्फ आप जाकर के किसी के सामने बैठ करके अगर रहिएगा तो कुछ नहीं होगा। आप अपने बारे में बताइए, अपना प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए, अपने कंपनी के बारे में बताइए, अपने जितने भी प्रोडक्ट है सारे चीज को बारे में बताइए, तो 10 बताइएगा तो जरूर 2 से 3 आदमी आपके बातों को थोड़ा सा अमल करेगा, और अमल करने के बाद जब वो इनका ये उपयोग करेंगे तो निश्चित ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी जैसे बोले कि ये सर एसिडिटी केयर क्यों दे रहे हैं, ये है क्या चीज? आज हमको लगता है कि पूरे भारत में पूरे विश्व में एसिडिटी का मतलब गैस का जो शिकायत है, शुगर हो गया, गैस हो गया, लेकिन अधिकतर चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, सबके पास एसिडिटी का शिकायत है। तो ये एसिडिटी केयर इतना पावरफुल है कि इसको अगर किसी छोटा बच्चा है तो सुबह छोटे कांच का गिलास, शीशा का गिलास में हल्का सुसुम गर्म पानी में 2 बूंद डालिए और उसको पिलाइए, पिलाने के बाद 2 मिनट बैठा दीजिए, देखिए उसका धीरे धीरे गैस फॉर्म जो है वो ढक्कन के माध्यम से निकलना स्टार्ट हो जाता है। अगर ज्यादा कब्जियत है, बहुत ज्यादा कब्जियत है, 2 दिन से 3 दिन से बाथरूम नहीं जा रहा है, 2 दिन 3 दिन से बाथरूम नहीं जा रहा है, कभी जा रहा है तो बैठ के चला जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो उस स्थिति में 20 बूंद सुसुम गर्म पानी में दीजिए, 1 घंटा में लगभग 3 से 4 बार दीजिए और उसको बोलिए बाथरूम खुला रखने के लिए, क्योंकि इसमें इतना पावरफुल है, 3 से 4
12 में यदि 20 बूंद करके अगर यदि आप देते हैं तो उसके अंदर जितना कचरा है वो सब बाथरूम के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो हमारे जितना भी प्रोडक्ट है सर, एक नहीं जितना भी आपके सामने प्रोडक्ट है, आपके बैनर में भी देख रहे हैं प्रोडक्ट जितना भी है सब, इसका कोई तोड़ ही नहीं है सर। हम लोग क्या करते हैं सर कि पेट दर्द होता है, माथा दर्द होता है तो तुरंत क्या करते हैं झोला छाप के पास या फिर मेडिकल में जाते हैं कि सर देखिए मेरा पेट दर्द हो रहा है, तुरंत वहाँ 5 रुपये का टेबलेट मिलता है खा लेते हैं। खाने के बाद क्या होता है आराम तो मिल जाता है लेकिन इसका साइड इफेक्ट हम लोग नहीं समझ पाते क्योंकि हमको क्विक एक्शन चाहिए। लेकिन क्विक एक्शन के बाद क्या होता है कि हमारा जो साइड इफेक्ट जो होता है उसके बारे में हम लोग कभी ध्यान दिए ही नहीं है। फिर 2 दिन के बाद वही स्थिति, अरे कल खाए थे तो कल ठीक हो गया था, फिर आ जाके ले आते हैं। तो सर ये जो हमारा जो आयुर्वेदिक जो होता है, ये आयुर्वेदिक क्या है, ये दबाता नहीं है। एलोपैथिक क्या है कि कोई भी चीज को दबा देता है, लेकिन ये आयुर्वेदिक जो है वो जड़ से कबाड़ देता है। लेकिन जड़ से कबाड़ने में थोड़ा सा ताकत लगता है सर, दबाने में ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन यदि किसी चीज को आप कबाड़िएगा तो ताकत लगेगा। बोलेगा भाई तो ज्यादा दिन खाना पड़ेगा, सर ज्यादा दिन तो खाना पड़ेगा लेकिन क्या है कि ये आपको जड़ से बिल्कुल मिटा देगा, फिर आपके पास ये दोबारा एसिडिटी जो है नहीं आएगा। चाहे वो गैस हो, शुगर हो, गठिया बात हो, जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं सब लाजवाब है। बस सर हम मेरी बातों के सुन के अपना प्रश्न सर की सहारा से है, ठीक है। और सहारा जब क्रश होने के बाद, सहारा जब क्रश हुआ उसके बाद दयनीय स्थिति, जिसको बोलते हैं पूरा दयनीय स्थिति, मतलब एकदम अपना इनकम जीरो। इनकम क्या बोलते हैं, बड़ा सा जीरो। बड़ा सा जीरो होने के बाद भटक रहे थे। हमने भी 2019 में जब इस युवा का ज्वाइन किया उस समय हम भी भटक रहे थे। 7 महीना पहले सर भी भटक रहे थे, लेकिन जब सर ने समझा युवा को और समझे तो आज पर डे इनका लक्ष्य है, पर डे का लक्ष्य है कि जब तक 1000 नहीं आएगा तब तक हम घर नहीं घुसेंगे। और पर डे 1000 लेते हैं उसके बाद घर जाते हैं। कैसे, तो कीवा का प्रोडक्ट को सेल कर। अब कीवा का प्रोडक्ट सेल कैसे होता है, कीवा का प्रोडक्ट सेल कैसे होता है, देखिए आपके लिए भी वही एसिडिटी केयर है, आपके लिए भी वही एसिडिटी केयर, सर के लिए भी वही एसिडिटी केयर, मेरे लिए भी वही एसिडिटी केयर। सर ने अभी एसिडिटी केयर का बेनिफिट बताया, आप 1 साल पहले से जुड़े हैं, 2 साल पहले से जुड़े हैं, आप एसिडिटी केयर का बेनिफिट बता पाते हैं लोग, आप एसिडिटी केयर का बेनिफिट बता पाते हैं लोग, यस या नो बोलिए, जो सबसे पहले से जुड़े हुए हैं, यस या नो बोलिए। देखिए कीवा का सेम प्रोडक्ट, सेम प्लान, सब कुछ सेम है, समझिए बात को। सर टारगेट ले लिया कि रोज मुझे 1000 चाहिए और रोज 1000 लेकर आते हैं, फिर हम पहले से जुड़े हुए हैं लेकिन हम 1000 लेकर नहीं आ पाते, क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है। प्रोडक्ट तो सेम है, रीजन है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का। यदि आप भी नॉलेज बढ़ा लेंगे और बोलने के लिए स्किल डेवलपमेंट कर लेंगे, अपना स्किल को डेवलपमेंट कर लेंगे तो आप भी, और एक चीज का फर्क है, और एक चीज का क्या फर्क है, सर ने टारगेट लिया 2000 रुपया इनकम करना है, लेकिन आपने टारगेट बहुत ही कम पड़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बता देते हैं, जब झारखंड में जिस तरह की बारिश हो रही है वैसे पहले मेरी हालत हुआ करती थी, 5 उंगलियों के बराबर ही बारिश होती है। हम 1 मिनट आप लोग को क्रियाकलाप करके दिखाना चाहते हैं, तो आप लोग भी उस माध्यम से कर सकते हैं। जैसे ही हम आप लोग को 1 बोलेंगे आप लोग को 1 उंगली से क्लैपिंग कर देंगे, ठीक है। जैसे ही 2 बोलेंगे आप लोग को 2 उंगली से क्लैपिंग कर देंगे, 3 बोलेंगे 3 से, 4 बोलेंगे 4 से, 5 बोलेंगे पूरा क्लैपिंग करना, ठीक। 3 1 दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। एक उंगली से सिर्फ हल्की हल्की बारिश होती है, 2 उंगली से ज्यादा बढ़ती है,
थ्री से उससे ज़्यादा, फोर से ज़्यादा, फाइव से उस प्रकार हमारा नेटवर्क होता है। मोबाइल में भी टावर देखते हैं देता है 1.2.3.2 प्रकार के टावर दिखाई देते हैं। हमारा नेटवर्क भी वैसे ही है, जिस प्रकार हम छोटे छोटे नेटवर्क बढ़ाते जाएंगे उस प्रकार हमारा आवाज़ भी क्लियर होती है। हम ढूंढते फिरते हैं कि नेटवर्क कहाँ आए, वहाँ जाके हम बात करते हैं, तो वहीं जाके हम लोग को अपना प्लान दिखाना है कि कहाँ हमारा नेटवर्क बढ़ेगा। हम एक जगह जाते हैं टावर यहाँ नहीं दे रहा है सर, हम कैसे नेटवर्क कैसे फैलाएं सर, जहाँ जाते हैं वहाँ मेरा रिजेक्ट हो जाता है, हर बार रिजेक्ट होता है। इस प्रकार अभी तक मैंने 450 लोगों को ना सुन चुके हैं। हम पहले धीरे धीरे ना ही सुनते चले गए थे, और इस प्रकार अभी हम मेरे मोबाइल में सारा ऐसा रिकॉर्ड है कि 450 लोगों को हम दिखा चुके प्लानिंग, इसमें से अभी तक ना ही, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कंपनी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें संघर्ष करते रहिए, जितना आप संघर्ष कीजिएगा जीत आपकी पक्की है। आप अपने लीडर के साथ बैठकर उसका पूरा चर्चा कीजिए और उस पर नाम दीजिए, ठीक है? ठीक है सर, बोलिए मैडम। मेरा नाम रजनी चौहान है, मारा चाहिए ज्वाइनिंग की है, मेरा दो महीना ही लगभग उसका, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है काम करने में, मुझे तो लग रहा है कि हम बहुत आसानी से अचीव कर देंगे, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अपना मेरा एक छोटा सा दुकान है, उसमें रहती हूँ और बहुत कम समय एक दो घंटा ही बीच में देती हूँ, अगर मेरा मेहनत अगर ज़्यादा रहे तो मैं ज़्यादा अचीव कर पाऊँ, कि मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करके दो घंटा ही मेहनत की, इसमें ही मुझे अपना रिजल्ट नजर आया, क्योंकि जो प्लेटफार्म है मुझे इससे बढ़िया प्लेटफार्म कहीं नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का मतलब कंपनी में हम ज्वाइनिंग किए, लेकिन बहुत कम समय में सफलता धीरे धीरे हासिल करना, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा। और मैं कहते हैं ना कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। होता है ना कि हार भी है तो जीत भी है, कि शुरुआती में मेरा हार ही मिला, ऐसा नहीं है कि सफलता ही मिला, तो वही हार के बाद जीत है, तो कोशिश कर रही है। काम जारी है, दिन भर अभी काम कर रहा हूँ, बस इतने मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं राजन से बिलोंग करता हूँ, और मैं दोनों आगे को मेरा नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम पशुपति मंडल है, खरियो कराने वाला, हम सहारा में पहले काम करते थे, उसके बाद डीएल सर हमको समझा रहे थे पहले से, मैं से फिर हम नए काम किए इनके, मैंने 15 महीना हुआ मेरा आया हुआ युवा में काम करते हैं, यहाँ से सीखते हैं, वही फील्ड में बोलते हैं, थोड़ा बहुत काम होता है, इतना तो होता नहीं है, फिर भी कोशिश है कि हम अपना काम करते रहेंगे, एक अगर अपना मन। मेरा नाम गौरव सोहन हुआ, और मैं 17 किलोमीटर आटेगढ़ डैम का जुम्मन रखता हूँ, और मेरा इस कंपनी में आए हुए 2 साल हुआ, और मैं अगला रैंक करीब 25 किलोमीटर था,
सभी को नमस्कार। मेरा नाम संतोष पासवान हुआ, मैं पंचमाला से बिलोंग करता हूँ। और सर लोग को भी मैं नमस्कार। सर लोग इससे पहले नेटवर्क के बारे में बात है कि ये नेटवर्क नेटवर्क के बारे में अच्छा ये बताते हैं कि सर कि आज संतोष सर है, अमनाथ सर है, ये सर है, अगर इनको कोई नेटवर्क में नहीं फंसाता तो आज लाखों और करोड़ों रुपये नहीं कमाते। तो नेटवर्क बहुत आदमी बोलता है कि फंसाने फंसाना काम है, तो नेटवर्क फंसाने वाला काम है, तो उससे अच्छा है कि फंसना भी जरूरी है। क्योंकि अगर आज कोई नहीं फंसेगा तो आदमी जहाँ भी कमा रहा है वो उसी जगह उतने में ही रह जाएगा। तो नेटवर्क ऐसा है कि आदमी चाहेगा तो इसमें करोड़पति बन सकता है, लेकिन रह गया कि मेहनत तो करना कहीं भी है, कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ भी समय दे रहे हैं और यहाँ भी आपको समय देना पड़ेगा। लेकिन होता क्या कि हम लोग जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर फिक्स होता है कि हमको 8 घंटा ड्यूटी करना है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कोई फिक्स नहीं है। आपको बस यहाँ 2 घंटा भी आपके पास समय बचता है, अगर इसमें 2 घंटा भी समय दीजिएगा तो आप एक अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं। अभी आप देखिए विश्व में जितना भी मुकेश अंबानी है, बड़ा बड़ा जितना भी करोड़पति आदमी है, वो लोग क्या है, आज कैसे सक्सेस हुआ, क्या आज जियो का सिम, एक सिम निकाल के वो पूरा नेटवर्क बना लिया, जियो का सिम हर आदमी यूज कर रहा है। अगर हम लोग जियो का सिम अगर यूज नहीं करें तो क्या वो करोड़पति बन जाता क्या? तो ये काम नेटवर्क फंसाने, अगर वो सिम एक सिम बना के वो करोड़पति बन सकता है, तो हम लोग के पास इतना अच्छा कीवा का प्लेटफॉर्म है जो हम लोग इसको करके करोड़पति हम लोग बन सकते हैं, 100% बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हर आदमी के घर में बीमारी है, किसके घर में बीमारी नहीं है, बीमारी हर घर में मिलेगा। तो अभी बीमार पता है पहले डॉक्टर के पास जाता है, वो क्या करता है, वो भी आपको सप्लीमेंट ही देता है, और हम लोग के पास भी सप्लीमेंट ही है। हम लोग के पास इतना अच्छा सप्लीमेंट है, अगर हम लोग हर घर में यूज करेंगे तो हम लोग हर घर स्वस्थ हो सकता है, स्वस्थ के साथ यहाँ हेल्थ का भी हेल्थ भी कर सकते हैं, मतलब वेल्थ पैसा भी कमा सकते हैं। तो इसीलिए ये युवा ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ आदमी चाहेगा तो ये अपना सपना को यानी पूरा कर सकता है। हमको तो इसमें दिख गया कि यहाँ इसी में ऐसा चीज है कि आदमी चाहे तो करोड़पति बन सकता है, नहीं तो नौकरी में कोई नहीं बन सकता, नौकरी तो फिक्स होता है। तो यही चंद करके कहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे आदमी हैं इस कंपनी में जुड़े हैं, बस आप लोग मन लगा काम कीजिए, 1 ही घंटा कीजिए, 2 ही घंटा कीजिए, लेकिन कीजिए। नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं जुड़ने से, जुड़ जाएगा 10 साल हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा, वो कोई फायदा नहीं जुड़ने से। इसीलिए कहा गया ठहरा हुआ पानी गंदा होता है, बहता हुआ पानी, इसलिए वैसा मत बनिए। आप लोग जब इस बिजनेस में आए हैं तो आप लोग थोड़ा थोड़ा भी कीजिए और हमेशा कीजिए। सीनियर्स खाली झूठ मत बोलिए कि हाँ सर हम फील्ड में निकले हैं कर रहे हैं, ये सब बहाना बाजी है। सीनियर को ग्रुप बनाना नहीं, अपने आप को ग्रुप बना रहे हैं आप लोग, तो पता चलेगा कि आप 10 साल से हैं, आप अभी तक अपना प्रमोशन नहीं कर पाए। तो इसीलिए हम यही कहेंगे कि जो भी आदमी इसमें जुड़ा हो अपने सीनियर को जो बोलते हैं उसको ग्रो कीजिए और बिजनेस को धीरे धीरे कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि डेली 4 घंटा करना, 2 घंटा करना, लेकिन युवा के लिए 2 घंटा 3 घंटा आप जरूर का समय निकालिए। बस ये धन्यवाद संतोष सर। किसी जगह पर 8-10 घंटा जॉब करने के बाद टाइम निकालते हैं और 2-3 घंटा करके काम करते हैं और अपने आप को अभी प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। बस अब मैं बिना मैडम को सुमालिश करूँगा, बिल्कुल बिना मैडम आप बोलिए। मेरा नाम बीना देवी है, मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ। एक मेरा सपना था कि मैं कुछ करूँ और कुछ करके लोगों को दिखाऊँ, भले लोग आए या ना आए, पर अपने आप में हिम्मत को नहीं हारना। पर जैसे जैसे हो रहा है धीरे धीरे ही सही, पर मैं प्रत्येक मतलब जैसे जैसे हो रहा है वैसे काम करने के लिए तैयार हूँ। आज भले लोग भले मेरा साथ नहीं दे रहा, पर आने वाला समय में जरूर मेरा साथ दे और मैं एक दिन अपना ही करके अपना इतिहास मैं रचाऊंगा और मेरा अपने आप से मैं दावा करती हूँ कि मैं ये कर लूंगा। मान लीजिए हम लोग काम करते हैं, कोई भी मतलब नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम लोग 12 घंटा 24 घंटा हमको समय देना पड़ता है, पर हम वहाँ काम करते हैं तो हम अकेले काम करते हैं। इस इंडस्ट्री में अगर यदि हम करेंगे वो नेटवर्क बना के अगर यदि करेंगे तो लगभग मान लीजिए 2-2 घंटा यदि सब मिल काम करेंगे, 24 आदमी जैसे रह गया, 12 आदमी रह गए, 10 आदमी कुछ भी रहे, जितने 2-2 घंटा कर रहे हैं तो दो मतलब डबल मेरा होगा और अकेला हम उतना नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए हम चाहते हैं कि जैसे भी होगा मैं नेटवर्क बना के ही काम करेंगे। आज हम लोग लोगों को बोलेंगे कि आइए हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे, अपना सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे, तो लोग बोलेंगे नहीं हम लोग नेटवर्क बहुत सारा देखे हैं, नेटवर्क में नहीं करेंगे, हम लोग फंसेंगे फंस जाएंगे, ऐसा ऐसा हम लोग बहुत देखे हैं। तो भाई आइए तो पहले सही और देखिए तो पहले सही, आके देखिए इसमें क्या है नहीं है, उसके बाद बोलिए कि उस जगह पे हम लोग फंसते हैं। आज मान लीजिए हम लोग फंस कहाँ रहे, आज हम लोग यहाँ फंस कहाँ रहे, आज मान लीजिए 2000 से या 1000 से हम लोग शुरू करते हैं तो हम लोग प्लस हम लोग का दे रहे हैं, सामान भी दे रहे हैं, बदले 1000 लगा रहे हैं, 2000 दे रहे हैं, 2000 लगा रहे हैं, 3000, 4000 दे रहे हैं, 4000 लगा रहे हैं, 6000, 8000 का सामान दे रहे हैं, दे रहे हैं। उसके बाद बदले में हम लोग का आज आर्मी प्लान सर लोग हम लोग कर दिए हैं, आज हम लोग का जान मान लीजिए हम लोग नौकरी करते हैं तो रिटायर में हम लोग पैसा नहीं था, उसी से हम लोग खुश होते हैं, जो भी करते हैं उसी से हम लोग सब कुछ करना पड़ता। आज मान लीजिए हम लोग इसमें करेंगे तो हम लोग का सिस्टम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और आज मान लीजिए हम लोग दो लेग लेके हम लोग चल रहे, दो लेग ही लेके चल रहे, आज मान लीजिए हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग का तो हम लोग खुद बढ़ते चला जाएंगे। और मान लीजिए आज हम लोग अपने कोशिश दे रहा है, आज मान लीजिए आज प्लान दे रहा है जिसमें हम लोग कहाँ फंस रहे, आज आप और यहाँ पे जैसे आप हमारे पर हम लोग पर निर्भर कर रहा है कि हम लोग किस तरह काम करें, कैसे हम लोगों को समझाएंगे, कैसे लोगों को बताएंगे, कैसे लोगों को मतलब करेंगे। आज मान लीजिए हर घर में आज मान लीजिए हम लोग का पेशेंट है, हर घर में आज हर घर में गरीबी हमें हो रहा है कि आज ऐसे है कल ऐसे है, हर घर में फिर मतलब नजर आ रहा है। तो आज हम लोग उसी सिस्टम से हम लोग काम करेंगे तो आज धीरे धीरे ही सही, पर हम लोग का गरीबी हम लोग का कैसे किसी को महसूस नहीं होगा। हम लोग को जैसे होगा मीटर बना के जैसे होगा करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद मैडम, बिल्कुल ये जोश जुनून और जज्बा होना चाहिए क्योंकि ये बिजनेस जुनून और जज्बा का ही है। युवा कार्को इंडस्ट्री सिर्फ पैसा नहीं देती है, पैसा के साथ साथ बहुत कुछ सिखाती है, इसीलिए इस बिजनेस में हम सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बिल्कुल इस बिजनेस से जुड़े क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पैसा नहीं मिलता है, पैसा के साथ स्वास्थ्य मिलता है, मान सम्मान मिलता है, बोलने की कला सीखता है। अभी एक गांव का महिला, एक देहात का महिला, इस तरह का आप देखेंगे तो बहुत सेमिनार हो रहा है। ये एक छोटा सा ग्रुप है और ये ग्रुप में सिर्फ हम लोगों का ग्रुप है, मतलब कहा जाए तो मेरा टीम भी यहाँ पर बैठा हुआ है, बीएन सर का टीम बैठा हुआ, बस हम ही लोग का टीम है और इतना ही टीम यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, तो बहुत ही लाजवाब है। फिर नेक्स्ट हम लोग जनता मैडम के माध्यम से सुनेंगे क्योंकि हम क्या बोले, युवा इंडस्ट्री पैसा भी देता है और स्वास्थ्य भी देता है, तो स्वास्थ्य कैसे देता है इसका कोई एक प्रोडक्ट के बारे में चंदा मैडम बताएगी जो आप लोग देखेंगे और सीखेंगे। तो सीधा मैं चंदा मैडम को हैंड ओवर कर रहा हूं। चंदा मैडम आप बोलें। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, लोगों को नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम चंदा देवी है, मैं डूंगर का से रहने वाली हूँ, बामरा क्षेत्र का। मेरा तो जीवन में आए हुए 1 साल हुआ है, अगर हम हर प्रोडक्ट को यूज करिए पहले उसको समझे फिर दूसरा को देते, वैसे ही आज आप लोग को भी सुन। इसके बारे में कौन कौन जानते हैं? सभी को लगभग जानते हैं, तुलसी है, इसका फायदे 200 से भी अधिक सबको जानते हैं। इसका आज हम डेमो दिखाएंगे आप लोग, और हम जहाँ भी जाते हैं प्लान दिखाने पहले डेमो करके दिखाते हैं फिर जाते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं साफ पानी है, इसमें तो कोई गंदगी नहीं है, इसको हम लोग गंदा करते हैं। Thank you.
कैसे करेंगे? वैसा ही हम लोग का पेट में शरीर में गंदगी रहता है। इतना हम लोग तो नहा लेते हैं, अपने आप को साफ कर देते हैं, मगर पेट को साफ नहीं करते। कोई करते हैं क्या पेट को साफ? कोई करते हैं क्या? आज हम लोग पेट को साफ करते हैं। हम लोग सुबह 5 गुण लेंगे, फिर शाम को लेंगे 5 गुण, फिर उसका अगले दिन लेंगे 5 गुण, फिर शाम को 5। बीमारी से आपको बचाता है, इसीलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? इस तुलसी का घर में यूज करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, समझे? तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? स्वस्थ। क्या मिलेगा? स्वस्थ। स्वस्थ तो आप यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? स्वस्थ। कीमत कितना? 60 रुपया। मात्र 60 रुपया। कितना? मात्र 60 रुपया। तो इसीलिए सबसे पहले आप इस कंपनी में अपना जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को स्वस्थ रहने के लिए अपने यूज करें, स्वस्थ रहने के लिए अपने यूज करें, ठीक है? ये एक छोटा सा ट्रेलर था, फिर अभी फिल्म बाकी है, फिर और कुछ आपको दिखाने वाले हैं। बारे में आपको बताया सर, 2 मिनट। उसमें कड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है, आपको पता है, इस तरह से सर ने बताए हैं कि पेन किस तरह से काम करते हैं, ब्रेन के तरह पर नीचे तो हर वक्त की तरह काम करना ही है। ये है दिमाग, दिमाग दिखता नहीं है, यूज करना पड़ता है। इस तरह कहते हैं पैसा हाथों का मेल होता है, ऐसे ही नहीं मेल होता है, रगड़ना पड़ता है। देख करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। कितना टारगेट? 10-10 हजार दीदी आपका 25,000 ये टारगेट, और साथ में आप कितने लोगों के अचीवमेंट करा रहे हैं? टारगेट 2 लोगों का अचीवमेंट कन्फर्म। फिर से एक बार आप लोगों के बीच में उपस्थित है, नमस्कार। देखिए ये प्लेटफॉर्म जो है, आप जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा। अभी आप लोगों के बीच में कुछ मिनट पहले आकर के अपने वाणी को रखे, फिर ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोबारा हमको आने का मौका मिला। कहने का मतलब है कि सर सिर्फ नाम लिखा लेने से प्लेटफॉर्म पे आप नहीं चल पाते, नाम लिखाने के साथ साथ थोड़ा सा जैसे सर अभी बताए कि मैं तो सबके शरीर में है, लेकिन क्या है कि उसको जब तक रगड़िएगा नहीं तब तक वो निकलेगा नहीं और दिखेगा भी नहीं। कहने का मतलब है कि सर हम लोग जैसे जैसे अभी मात्र मेरा कितना हुआ कि लास्ट नवंबर में हम किए, यानी दिसंबर से लेकर के 9 महीना हुआ, और 9 महीना के दरमियान में इस प्लेटफॉर्म यानी मैनेजर रैंक को अचीव कर चुका हूँ। दिन भर लोग बोलते हैं 2 घंटा 4 घंटा जो पार्ट टाइमर है, लेकिन मैं फुल टाइमर हूँ। खाना पीना सोना जगना सारा चीज इसी से है, हर चीज का। मेरा 2 बच्चे हैं, दोनों बाहर पढ़ते हैं, और दोनों का मेंटेनेंस मैं इसी से करता हूँ, और कोई मेरा दूसरा रास्ता नहीं है।
ये नहीं है कि फिर कोई दूसरा रास्ता उससे मेरा कुछ है अर्निंग आ रहा है उससे ले रहा, नहीं, हम इसी से सारा चीज करते हैं। तो कहने का मतलब कि सर ये आप लोग अगर यदि आए हैं सर तो जुनून के साथ आइए, जुनून के साथ नहीं आइएगा तो सर इसी तरह आइएगा, बैठिएगा, पीछे बैठिएगा, सोचिएगा जैसे आप लोगों को बुलाया जाएगा तो फिर आइएगा, बोले क्या बोले, नहीं बोले, कहाँ आके हमको फंसा दिया, फंसाया नहीं गया सर, आपको सही प्लेटफॉर्म दिया गया, उस प्लेटफॉर्म में आप डट के रहिए और थोड़ा सा मेहनत कीजिए तो रंग जरूर आएगा सर। आप हल्दी दीजिए या रंग दीजिए, अगर दीदी ऐसे ही रख देते तो नहीं होता, उसमें पानी मिला दीजिए और फिर मिलाइए, फिर देखिए रंग आपको महसूस होगा। कहने का मतलब कि मेहनत कीजिएगा तो रंग जरूर आएगा सर, मेहनत नहीं कीजिएगा रंग जरा सा भी आप लोगों के पास नहीं आएगा सर। जहाँ तक रह गया प्रोडक्ट का बात, तो प्रोडक्ट के बारे में सर अभी जैसे मैडम बताई कि ये पंच तुलसी है, पंच तुलसी का काम क्या है, एसिडिटी का भी ये काम करता है और पेट सफा तो सारा रोग दफा, तो ये पंच तुलसी का काम है सर 60 रुपया का। तो आप समझ सकते हैं कि सर ये 60 रुपया का इतना पावरफुल है तो ये कितना होगा, इसका कीमत है 2000 रुपया, तो इसका उसी तरह का होगा। आज हम आप लोगों के साथ एक छोटा सा शेयर कर रहे हैं, हम अपने जिंदगी के बारे में शेयर कर रहे हैं सर। 1988 में मैं पेड़ से गिर गया, अब पेड़ से गिरने के बाद क्या हुआ कि मेरा दोनों आंख का नस फट चुका था, जो पता नहीं चला। मेरे दादाजी थे उस समय, बोले कुछ नहीं होता है, घर में कड़वा तेल है, सरसों तेल है, उसको दोनों आंख में लगाओ साफ हो जाएगा। मैंने वही किया, 2-3 दिन लगाया साफ हो गया, उतना नॉलेज नहीं था कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा। अंत में क्या हुआ कि 88 में हम जब एग्जाम देने गए उसमें मेरा रोशनी दोनों खत्म हो गया, कुछ नहीं दिखने लगा, मात्र एक सब्जेक्ट एग्जाम दिए थे और दोबारा देख नहीं पाए ना एग्जाम दे पाए। उस दिन से शंकर नेत्रालय संबंध किया, अलीगढ़ गया, दिल्ली गया, हर जगह गया, मेरा आँख का सही इलाज नहीं हुआ। लास्ट में त्रिकुंडा में मेरा एक आँख में लेंस लगा और बाया आँख अभी तक कुछ नहीं था, लेकिन जब से मैंने इसका यूज किया, आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि बना के बोल रहे हैं, ये मेरा अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, ये चौथा फाइल अभी तक खाया है, इस आँख में लगभग 60% रोशनी आ गया। ये मेरे आँख सिर्फ पत्थर का था, तो ओनली फॉर तो, लेकिन जब ये चौथा फाइल, ये अभी मेरा चौथा फाइल लग रहा है कि 2 या 3 दिन चलेगा, लेकिन 60% इस आँख में रोशनी आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाले को सुनवा रहे हैं। टारगेट सर 15-15 हजार सर। और इतना अच्छा अवसर है, करोड़पति बनने आए हैं, लखपति बनने आए हैं, तो सबसे पहले तो अपने परिवार को छोटे जगह चाहे, यदि अपने पूरे फैमिली को छोड़ के यदि आज समय मिला है, संडे का दिन है, हम लोगों ने कार्य किया, संडे का दिन फ्री रहते हैं, एक दीदी आपको फ्री इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग के बच्चे आपके घर में कपड़ा धोना होता है, बच्चे लोग को सारा बच्चे की आज माटे सब हर चीज तो सुंदर रहते हैं, बच्चे आज रहने का मौका मिलता मौका मिलता, लेकिन फिर भी आप लोगों ने समय दिया। लेकिन यहाँ पे लग रहा है ना कि कहीं पे आप लोग ना कोई मायूसी छाया हुआ नहीं, अरे भैया मेरे लिए ताली मत बजाओ, अपने लिए तो कम से कम जोर से तालियां करो, आपका पूरा माइंड डेवलप होता है। पहली बात है ये एक्यूप्रेशर का जो होता है ना, ये पूरे हाथों में जितना भी पेन है पूरा बॉडी का सर्कुलर को बनाता है। पांडे आप यदि कोई भी प्रॉब्लम से ग्रसित है तो पांडे आप 5 मिनट सिर्फ कनेक्टिव अपने घर पर पागल जैसा बजाइए तो अच्छा है, अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए हाथ ही काफी है। आप यदि अच्छे मार्ग
चाहते हैं कि अपना घर का फैमिली का नाम यहाँ से विश्वास करता हूँ कि इन सारे लोगों को मैंने देखा अपने नजरों से। संतोष सर, हम लोग जब सब बैठते थे ना 11 बजे रात तक बैठते थे एक साथ में इस होटल में, मात्र 4 लोग, अविनाश सर, नारायण सर, संतोष सर, हमें खुद और नकुल सर यहाँ पे शामिल है। हम लोग के बीच में जब बारिश होने लगता था 12 बजे रात, तो संतोष सर का रामा पुना में घर करता था, बोलता था हम अकेले नहीं जाएंगे, तो हम लोग छोड़ने जाते थे संतोष सर को, और फिर वहाँ से 12 बजे रात आके फिर घर जाते थे। मेरा माँ बोलती थी नहीं खोलेंगे दरवाजा, मैंने खोल मार, मार भी मैंने बहुत खाया, लेकिन मैंने क्यों आपको नहीं छोड़ा, इसलिए आज हम इस जगह पे हूँ। ऊपर वाले का सभी के लिए सोचते हैं, ऊपर वाले सबके लिए सोचते हैं, लेकिन अब देखिएगा बहुत लोगों ने अगर जिन्होंने बिहन पार दिया होगा और खेत तैयार कर लिया होगा वो तो यूज कर लेंगे, लेकिन जिन्होंने अब तक सोचा ही होगा और बारिश आगे हो गया उसी पछताए, आप लोग के साथ ही वही होने वाला है। आज हम देख रहे हैं हमारे टॉप चासी ग्रुप का प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम था, साथ में डेवलपमेंट का प्रोग्राम था और युवा इंडस्ट्री का बेहतरीन प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम 12:30 में स्टार्ट हुआ था और 4:15 में समाप्त हुआ, और प्रोग्राम समाप्त होने के बाद तमाम डिस्ट्रीब्यूटर को भोजन का प्रबंध किया गया था हमारे टीम की ओर से, और सबको अभी भोजन का आनंद ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं युवा के डिस्ट्रीब्यूटर लोग प्रोग्राम समाप्त होने के बाद भोजन का आनंद ले रहे हैं सभी को। हाँ सर, और अभी उमेश सर एंड बीएन सर का ग्रुप का युवा कैपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के तहत गुलशन होटल टॉप चाँची में टीम डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा था, और प्रोग्राम समाप्त होने के बाद सभी डिस्ट्रीब्यूटर लोग भोजन का आनंद ले रहे हैं, आप देख सकते हैं भोजन। क्या सर, भोजन का स्वादिष्ट कैसा है? जबरदस्त सर। चलिए सर, ठीक है ना? कौन सी मिला सर भोजन में? पापड़ है सर, सलाद है, भुजिया है, सब्जी है, चार प्रकार का सब्जी है, प्याज है, तीन चार प्रकार का सब्जी भी मिला। आचार मिला कि नहीं सर? आचार भी मिला। चलिए आचार के साथ मजा ले रहे हैं। देखिए सर, आए हैं दुकान बंद करके और अभी यहाँ पर सर भोजन कैसा रहा सर? भोजन सर लाजवाब सर, इसका कोई जवाब ही नहीं है सर। नहीं ना सर? नहीं सर। चलिए सर, सारा चीज एकदम 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 सुपर से भी ऊपर है सर। ऊपर रहा ना सर? एकदम ऊपर। चलिए सर, देखिए डिस्ट्रीब्यूटर का कहना है सर भोजन के बाद आप लोग मेंटेन करिए सर, कुछ सोचना क्या है।